पाकिस्तान की ट्रेन के बहुत ही बुरे हालात हैं। हम सब फ्री हो चुके हैं बस। इसकी मुर्गी मुंह में काट दी। Hey, what's up guys? This is Hamad Lal Shah here and back again with a new video. आज का सीन कुछ ये है जी, आपको पता है कि बिलाल भाई हमारे पास आए थे, तो अभी उन्होंने हमको इनवाइट किया, तो हम जा रहे हैं उनके पास घूमने फिरने। हमने कहा जरा आउटिंग भी हो जाएगी, ठीक है, जरा चलते हैं, क्या हम घर बैठ के बोर हो गए, चक्कर शक्कर लगा के कोई अच्छे अच्छे मजे मजे के ब्लॉग लेकर आए आपके लिए, ठीक है। इंशाल्लाह ब्लॉग तो अच्छा लेके आएंगे, तो आप हमारी वीडियो लाइक तो करते हैं, कमेंट्स भी क्या करें और सब्सक्राइबर का निशान को भी दबाया करें, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इससे आगे और भी अच्छी वीडियो लेके आएंगे, ओके इंशाल्लाह। देखिए जी हम फुली रेडी हैं, ठीक है, हमने बैग वगैरह रेडी कर लिया, ठीक है, लाहौर में आपके लिए मजे मजे के ब्लॉग आएंगे, ठीक है, मीनार पाकिस्तान बहुत बहुत मजे के ब्लॉग्स आएंगे, ऑरेंज ट्रेन भी दोबारा आपको दिखाएंगे, चाचू ने देखी नहीं हुई, चाचू को दिखाएंगे एक बार ऑरेंज ट्रेन, सही है ना चाचू? देखी है ऑरेंज ट्रेन, कहाँ देखी है, वीडियो में देखी है? नहीं ऑरेंज, आप ओरिजिनल दिखाएंगे, चलो ओरिजिनल भी देखी हुई है मैंने यार। पहुंच गए स्टेशन पे, तो अभी ट्रेन का इंतजार करते हैं, पहले तो जाकर टिकट लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद आपको बताते हैं। ये हम जा रहे हैं, तू नीचे टिकट का है जी, ठीक है, जी पूरा तकरीबन घंटा डेढ़ इंतज़ार किया हमने, ठीक है, अब ट्रेन आने वाली है, ठीक है जी। वेट हो रहा था, देखो सामान में हम रखा हुआ है, बस आ गई है, नज़दीक पहुँच गई है। Later. पाकिस्तान की ट्रेन के बहुत ही बुरे हालात हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश है, जगह ही नहीं बैठने के लिए, ये देखिए देखिए जी सारी ट्रेन में बैठने के लिए जगह नहीं है। A few moments later. ये जी फिलहाल तो हम पहुँच गए लाहौर, तो उसके बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद ट्रेन चलेगी, ये हम लाहौर पहुँच गए, बनाओ इसकी जितनी लाहौर, ये हमारी गाड़ी चलती है, फाइनली गाड़ी चल चुकी है। गाजी जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा छांगा मंगा का जंगल है, क्यों जी? ये सही कह रहा हम आप, ये छांगा मंगा का जंगल है, तो देखे तो रात रास्ता ही है सारा, रात को आने वालों का क्या हाल होता है, बुरा, जिस तरह पाकिस्तान के हालात है वो तो नहीं पैसा, A few moments later. मैं जी अखाड़ा के करीब है ना, ठीक है, और इधर देखें बहुत सा रश, हाँ जी रश तो बहुत ज़्यादा है, हमार ये दिखाओ यार, लेकिन खूबसूरत है इलाका, रस्ते में बहुत से हमने वो क्या देखे, नर्सरी मुझे लगता है शायद यहाँ पे, जैसे मेला लगा हुआ, देखो तो सही है, हड़ताल तो नहीं चल रही यार।
फाइनली जी हम ट्रेन से निकल आए हैं बाहर, ठीक है, हम पहुंच गए बारह में और अब यहाँ से आगे जाना है जी। अभी जाना है तकरीबन घंटे का सफ़र है। हाँ घंटे का सफ़र है, घंटे का सफ़र है, तो देख ले कितना टाइम लग गया। तो लाइक शेयर कमेंट्स करिए अगर, ठीक है। इतनी मेहनत यार आपके लिए करते हैं, बहुत अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, आप देखिएगा जरा। इंशाल्लाह क्यों नहीं, ठीक है, चलें चाचू चलते हैं, में मिलते हैं आप। ये देखिए जी अब ये ट्रेन जा रही है आगे कराची को, अब हम आराम करने लगे हैं। ये स्टेशन है अखाड़ा, ये देखें जी अखाड़ा का रेलवे स्टेशन, यहाँ से अभी हम बाहर निकले हैं, ठीक है। ये रस्ते वाले भाई मिले हैं तो चलते हैं, हम आपको लेके जाते हैं उखाड़ा से उधर लाड़ी अड्डे लेके जाते हैं, फिर उसके बाद आगे वैन बस में बैठेंगे, फिर उसके आगे जाएंगे। और सर सुनाए आप ठीक ठाक, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद उस्मान। यहाँ के रहिशी हैं आप? A few moments later. फाइनली जी हम पहुंच गए हैं बिलाल भाई के पास, ठीक है, चेक करें बिलाल भाई, क्या बात है बिलाल भाई, बिलाल भाई बड़ी मादरत यार, पहले तो हमने आपको बड़े लाने लगाए, कोई मसला नहीं अब आ गया फाइनली आपके पास, ठीक है, अभी चलते हैं जी घर तो फिर मिलते हैं। वो गाड़ी मैं निकाल लू जी, ये हम बिलाल भाई के पास आ गए हैं, ये आजकल इन्होंने घर लिया हुआ लाइन करने के लिए, ठीक है। दूसरे हमारे सुप्रियान भाई अंदर डिस्को लाइट लगाए हुए हैं, डिस्को लाइट लगाए, वो डिस्को लाइट भी दिखाते हैं जी भाई, हम डिस्को और आप सुना चाहिए थे, ठीक है, घर में पर ठीक है, अलहमदिल्ला और कोई नहीं था भाई, कोई भी नहीं, आप आ गए हमें खुशी हो रहा है यार, चक्कर लगाना फिर दोबारा इंशाल्लाह, ठीक है। A few moments later. अभी हम जी बिलाल भाई के घर आ चुके हैं, ठीक है, ये अरसलान भाई हैं, बहुत बड़े टिकटॉकर होस्ट, टिकटॉक के होस्ट हैं, ठीक है, उसके बाद बिलाल भाई, उसके बाद हमजा भाई, हमजा भाई भी बहुत बड़े होस्ट है, ठीक है, उसके बाद ये क्यूट लफंगा, ये तो ब्रांड है आप जानती हो, क्या बोला आपने? कुत्ता, सॉरी लफंगा, देख यार क्यूट क्यूट फर्क आ जाता है ना, क्यूट लफंगा चाची की नहीं। और ये मेरा मैनेजर है, ठीक है, ये पूरे पिंड को यही संभालता है, ठीक है, ये बहुत अच्छा बंदा है यार, ये बहुत अच्छा बंदा। अच्छा अरसलान भाई आप सुनाए कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, हम आप भी आप हमारे पास आए, हमें बड़ी खुशी हुई है, अल्लाह आपको बहुत आसान करे। पहले काट दे इन्हें, पहले बाहर कट बैजर तेरा काम है। हमजा भाई आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, ये तो आपने सरप्राइज दिया हमें, इसे पता था कि हमें पता नहीं था कि आप आए, आपने हमें वक्त दिया। और ये हमारे काशी भाई हैं, नहीं नहीं बहुत अच्छे भाई हैं ये भी, ठीक है। और आप बताए सुफियान भाई आप कैसे हैं? इनकी तारीफ, आप क्या कर रहे हैं जिंदगी में आजकल कुछ बताएं, जिंदगी को दिखा दे, क्योंकि आप हमें लाइव पे नजर नहीं आ रहे। मैं खेती बाड़ी कर रहा, खेती बाड़ी कर रहा, थोड़ा सा मुझे बोले रेडी के आगे के ये होते हैं ये जो बंदे हैं ना, समझ लें जिस तरह पिंड के सरपंच होते हैं ना, चौधरी, ये वो है, ठीक है। इनके पिंड में से बहुत से टिकटॉक पे लाइव होस्ट करते हैं, हमने जनरेशन तैयार की है जो सिर्फ होस्टिंग करेगी। माशाल्लाह हमने बहुत तरक्की कर ली है, कम से कम 50 के करीब हमने होस्ट इकट्ठे कर लिए हैं, जो कि वेले थे गाँव, सारे मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। क्या बात है, ये हमारे भाई आपके जो मैनेजर है, ये बस गिफ्टर है, मैनेजर भी है आपके,
गिफ्ट करते हैं और बहुत जल्दी इनका चांस होने वाला टिकटॉक पे। फ्यूचर गिफ्ट रहे हमारे इंशाल्लाह। सलाम भाई तो भी बाहर गया तो हमजा भाई मैं आपसे पूछना चाह रहा था, इधर घर के बाहर निकले तो हर एक नए घर में एक न्यू होस्ट मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारा मिशन है कि हमने कम से कम एक सेंचुरी होस्ट की करनी है, मिशन जारी है, 50 हो चुके हैं। इंशाल्लाह आपका जब नेक्स्ट चक्कर लगेगा सेंचुरी पूरी होगी। क्या बात है, यकीन करें बैक बैक टू बैक घरों में हर एक घर में एक होस्ट है और इंशाल्लाह आपको कल मिलवाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। ओके हम सब फ्री हो चुके हैं बस इसकी मुर्गी मुंह में चली गई। ये दिखा रहा है और ये राजा जी भी लगा हुआ है। मैंने तो भाई ये सारे चावल अभी इसके लिए आएंगे। हाँ जी ये मैंने अभी खाने तो इसके पास रख रहे थे। आपने आपने खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी थी? नहीं खाना इसलिए तो ये बैठे हुए हैं, इसलिए तो ये बन गए। दाल दिखाओ काम करवाओ सर। ये मैनेजर है अपना, ये काम करवाएगा। मेहमानों को बर्तन सर, यार आप मैनेजर पे हाथ उठा रहे हैं। डेट वो हमारे बॉस है, सब कुछ होगा, इंफेक्शन होगा, इंफेक्शन होगा जैसे मुझे वहां के पैर के होगा, एक्शन भी होगा, इंफेक्शन इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा ताकि इंफेक्शन ना हो। ये हॉस्पिटल आया हुआ है जी मैनेजर साहब। सर खीर उन्होंने बिलाल भाई ने पूरा, ये पूरी डिश जो एक डिश आई है ये हमारे आपके मैनेजर साहब के लिए आई है, ये डिश आपके लिए आई है, इसमें हमारा भी हिस्सा था लेकिन इसकी गैर मौजूदगी में हम खा सकते हैं। ये बिन बुलाए मेहमान आ गए, अब हम भूखे जाए। चलो भाई वीडियो एंड हो गया। किसी चाय प्रोग्राम का सीन है, बिलाल भाई चाय ले देंगे साथ अरसलान भाई, ठीक है। और यहाँ पे हम व्लॉग को करते हैं एंड, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट डे एक न्यू व्लॉग के साथ हम हाजिर होंगे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो करें लाइक कमेंट शेयर और चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लात दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वो मेरा मैनेजर है, लव यू मैनेजर।